हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने आज सुबह 8:16 पर अपनी अंतिम सांस ली। वह 82 साल के थे। मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। पिछले रविवार से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। पहलवान और शिक्षक रहे मुलायम सिंह यादव ने लंबी सियासी पारी खेली है। मुलायम सिंह यादव 3 यूपी के मुख्यमंत्री रहे, वहीं केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे। उन्हें बेहद साहसिक सियासी फैसलों के लिए जाना जाता था। यूपी की राजनीति में मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि 22 अगस्त को तबियत बिगड़ने की वजह से मुलायम सिंह यादव को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुलायम सिंह को 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। लगातार डॉक्टरों का एक पैनल मुलायम सिंह यादव की सेहत पर नजर बनाए हुए था। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और परिवार के अन्य सदस्य तब से उनके साथ ही थे। मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद अब उनके शव को दिल्ली से लखनऊ लाने की तैयारी है। यहां से फिर उनके पार्थिव शरीर को इटावा ले जाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यू न्यूज़ यूपी।